और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल राइस, जिसके लिए लिया है मैंने बीन्स लिया है, गाजर है, आलू है और प्याज है। तो उस मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे आलू फ्राई करने के लिए। तो हम पहले आलू फ्राई करके निकाल लेते हैं। मैंने राइस को पहले से ही बना लिया है, राइस को मैंने पहले से ही बना कर रख लिया है। हाँ, हमारा आलू भी फ्राई हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे। गरम मसाला डाला है तड़के में, जीरा, हरी मिर्च, डालेंगे प्याज और प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को अच्छे से पका लेना है। टमाटर अच्छे से पक चुका है मेरा, इसमें डालेंगे गाजर, इसमें डालेंगे बीन्स, इसमें आलू डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था, ताकि इसमें मसाला अच्छे से पक जाए। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मसाला डालेंगे, लहसुन कुटा हुआ इससे ऊपर से डालना है, ताकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये पकेगा 5 मिनट, हमें पूरा सब्जी को अपने पका लेना है अच्छे से। डालेंगे धनिया पत्ती और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे नमक, इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, थोड़ा देर इसको पक लेने देते हैं। उसके बाद में हम इसमें चावल मिलाएंगे, इसमें डालेंगे चावल। टेबल राइस बनके तैयार हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, उतना ही खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। तो बच्चे सब्जी खाने में बहुत ड्रामा करते हैं और मेरे नहीं, मतलब मैं जहाँ तक जानती हूँ सबके बच्चे ऐसे ही हैं, ड्रामा बहुत ही करते हैं सब्जी वगैरह खाने में। तो मैं ऐसे ही सब्जी बना के दे देती हूँ सब, बीन्स वगैरह में तो प्रोटीन बहुत रहता है, गाजर में, तो वो लोग ऐसे रहेगा तो वो लोग खा लेंगे, और अगर सब्जी बनेगा तो सब्जी में वो लोग नहीं खाएंगे। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी है ये, एक बार आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी। मेरा राइस बन के तैयार हो गया है, उसके साथ है बटर मिल्क, सलाद। आप लोग को रेसिपी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।